हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबी इज गार्डनिंग में। और देखिए दोस्तों, ये मेरे गुड़हल के प्लांट हैं, क्योंकि इसमें कई सारे प्लांट हैं, आगे बर्ड्स भी आई हुई हैं। इनकी मैं कटाई छटाई भी कर दी थी, लेकिन अब बरसात में फिर से देखिए क्या लुक आया है इसका, कितना बड़ा प्लांट है। ये देखिए सारे फैले हुए। और एक चीज़ और, इसमें मैंने चार गुलहल के प्लांट 1 2 3 ये 4, ये मैंने चार मैंने एक साथ लगा दिए थे। इतना बड़ा ये पॉट है ना, इस वजह से मैंने ये चार प्लांट एक साथ मैं लगा दिए थे। चारों एक साथ चल रहे हैं, लेकिन 2-3 साल हो गए हैं इसी में लगे हुए। 2 साल तो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं सोच रही इनको मैं सेपरेट कर दूँ, क्योंकि एक में ही अच्छे से ग्रोथ तो नहीं हो पाती है ना। चार चार है, 2 प्लांट होते तब भी सही था, लेकिन ये 4 प्लांट हैं, इस वजह से मैं इसको सेपरेट करने जा रही हूँ। और इनको निकालना बहुत ही बड़ा टास्क है, क्योंकि चारों की रूट एक में ही होंगी। अब मैं निकाल के फिर आप लोगों के साथ में मैं शेयर करती हूँ दोस्तों, फिर आप देखिएगा। क्योंकि इसको धीरे धीरे हमें पहले मिट्टी को हटाना होगा। अभी कल बारिश हुई थी, तो मिट्टी भी सॉफ्ट है। और आप देखिए रूट्स, पूरी पॉट में रूट्स ही रूट्स हैं, क्योंकि चार, ये देखिए 4 प्लांट हैं, तो रूट्स होना लाजमी है, क्योंकि रूट्स तो होंगी ही होंगी हर तरफ है। तो इसलिए इनको धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके फिर देखते निकालते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको मैंने लिटा लिया है, क्योंकि ऐसे खोदने से ना रूट्स बहुत सारी डैमेज हो जाती, तो मैं लिटा के इसको धीरे धीरे, देखिए मैं इस तरह से मैं खींच रही हूँ घुमा घुमा के, ऐसे ये चीज़ बाहर आ गई। अब मैंने इसको घुमाया और फिर मैंने इसको बिल्कुल नीचे से पकड़ के खींचा। ये देखिए बाहर आ रहा है, क्योंकि मिट्टी बहुत ही पोरस है, इस वजह से जब हमारी मिट्टी अच्छी होती है ना, तो प्लांट ईजली बाहर आ जाता है। इस तरह से अब देखिए आ गया है। और ये देखिए, ये देखिए रूट्स, देखिए नीचे तक है सारी, ये देखिए रूट्स। और बहुत अच्छे से देखिए प्लांट्स ग्रो हुए हैं, चारों प्लांट्स एक साथ बहुत ही अच्छे से ग्रो हुए हैं। ये देख कितना बड़ा, कितने बड़े बड़े प्लांट हैं, चारों प्लांट्स बहुत बड़े हो गए हैं। अब बस इनको मैं मुझे अलग कर लेना है, आसानी से धीरे धीरे उठाएंगे तो ये अपने आप ही रूट्स इनकी अलग हो जाएंगी। धीरे धीरे ही ये काम हमें करना है, जब भी ये काम करें तो बहुत ही सॉफ्ट हैंड से, ताकि हमारे प्लांट्स को कोई नुकसान ना होने पाए। ये देखिए नीचे से भी इसमें किल्ले भी आ रहे हैं। ये देखिए इसमें सिर्फ एक ही ब्रांच है, क्योंकि जब हम एक साथ में प्लांट लगा देते हैं तो ग्रोथ तो होती है, पर उतनी अच्छी से ग्रोथ नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। किसी की हो जाएगी, किसी की नहीं होगी एक साथ में। ये देखिए इसकी ग्रोथ अच्छी है, देखती है ना, ये इसकी ग्रोथ अच्छी है। ये देखिए सारे प्लांट्स अलग अलग हो गए आसानी से, कितनी आसानी से हो गए हैं, जितना मैं सोच रही थी कि पता नहीं कैसे हो पाएगा, लेकिन हो गया, क्योंकि मिट्टी बहुत अच्छी थी, इस वजह से हमारा प्लांट आसानी से अलग हो गए हैं। अगर मिट्टी अच्छी नहीं होती तो फिर बड़ी ही दिक्कत हो जाती। और ये देखिए रूट्स एक दूसरे में चली गई हैं, ये इतनी सी ये रूट्स जो हैं एक दूसरे में ज्वाइन हैं। ये 3 रूट्स हैं, इनको कट करना होगा, क्योंकि अगर ये ऐसे बाहर आ नहीं रही हैं, अब पता नहीं इसमें की इसमें आ गई हैं या इसमें की उसमें गई हैं, पता नहीं, लेकिन ये मुझे कट करनी पड़ेंगी। अब मैं मिट्टी के ही पॉट में इनको अलग अलग मैं शिफ्ट कर दूँगी, ताकि ये अच्छे से ग्रो हो। देखिए नीचे से सारी डंडी डंडी सी हो गई, इस वाले प्लांट में पूरी डंडी है, और ये वाले तो तब भी सही है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये ठीक ठाक है, वो तो बहुत ही लेगी सा हो गया, सिर्फ
गंजी जंजी दिख रही है। चलिए दोस्तों, अब एक हाथ से नहीं होगा, दोनों हाथों से मुझे काम करने हैं, तो मैं करके इसको रूट्स को अलग करके फिर आपके साथ में शेयर करती हूँ। देखिए दोस्तों, मुझे रूट्स कट नहीं करनी पड़ी, मैंने दोनों हाथों से किया तो ये देखिए अलग हो गई। और इसमें रूट्स में देखिए चींटियाँ भी हैं, तो इसमें हल्दी पाउडर वगैरह, नीम खली सब मुझे डालनी होगी। लहसुन के पानी, अदरक के पानी का छिड़काव भी कर देंगे तब तो ये, लहसुन के छिलके भी अगर हम डाल देंगे ना तो उसकी महक से भी ये नहीं आएंगी। मैं लहसुन के छिलके इसमें डाल दूंगी। चलिए दोस्तों, अब मैं रिपोर्ट करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये फूल मेरे खिल गए, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए, ये भी खिले हुए हैं, इधर ये खिला है, इधर ये खिला है, और इधर एक और खिला है अंदर। ये तो खिलते ही हैं पिंक। और ये देखिए, मैंने सारे गुड़हल, ये देखिए पॉट उठा के रख दिए, फिर यहाँ पे काम होने लग गया था शोरगुल में, फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया दोस्तों कल। और ये आज का नेक्स्ट डे का है, और बताया आपको, मेरे पास कोई मिट्टी खाद नहीं थी, और मैंने ऐसे ही देखिए, मैंने 16 प्लांट रिपोर्ट किए हैं दोस्तों, और नीचे वेस्ट मटेरियल डाल डाल के मैंने जो इकट्ठा किया था उसी से, और जो उसमें मिट्टी थी उसी से मैंने ये पॉट मैंने किए हैं। और मैंने इसीलिए थोड़े थोड़े पॉट देखिए खाली रखे हैं, क्योंकि मैं मिट्टी और खाद लाऊंगी ना तो ऊपर से मैं डाल दूंगी गोबर की खाद, और मिट्टी भी इनमें मैं फिल कर दूंगी, डाल दूंगी ताकि अच्छे से ग्रो होंगे। और ये देखिए पिटूनिया, और ये देखिए क्रैनबेरी हिबिस्कस, हाँ ढेर सारे फ्लावर्स खिले हैं इससे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।